मैं तो इससे ना एक्सपेक्टेशंस कुछ ज्यादा ही लेके चल रहा था, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन भी फुलफिल नहीं हुई इससे गाड़ी से, तो भाई की एक्सपेक्टेशन तो 20 के माइलेज वाली क्या फुलफिल होती। तो मतलब मैं तो काफी ज्यादा निराश हूँ भाई इसके माइलेज से। या ऐसा तेल खराब मिला आज? अरे भाई कुछ ना कुछ हमेशा भाई ये ऐसे झूठे बहाने बताते हैं कि तेल खराब मिला है, लेकिन रियलिटी ये है भाई ये सफारी स्ट्रोम की बराबरी नहीं कर सकती। सफारी स्ट्रोम सफारी थी भाई, 19 का माइलेज दिया था उस गाड़ी ने हम लोगों को। ये दिया था नहीं दिया था? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशु चौधरी और स्वागत है आपका एक और वीडियो में, जहाँ पे भाई आज हम करने वाले हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो S11 का माइलेज टेस्ट। आप भाई इसको क्लासिक स्कॉर्पियो भी बोल सकते हैं और क्लासिक नहीं भी बोल सकते। भाई क्लासिक इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि ये उसी शेप में उसी बॉडी में आती है गाड़ी, लेकिन क्लासिक हम इसको इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि ये जो इंजन है ना ये 140 PS की पावर देता था, और जो स्कॉर्पियो क्लासिक आती है अब एट प्रेजेंट वो 130 PS की पावर देती है, मतलब ये 10 PS यानी कि 10 BHP ज़्यादा देता है स्कॉर्पियो क्लासिक से। तो आज हम बैठे हैं स्कॉर्पियो S11 में जो भाई 130,000 किलोमीटर अब तक चल चुकी है। तो और आज हम जा रहे हैं भाई इस गाड़ी का माइलेज टेस्ट करने। भाई स्कॉर्पियो क्लासिक को या फिर स्कॉर्पियो S11 को लेकर ना बहुत ज़्यादा रूमर्स आते हैं और बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं जो इनको गाड़ी को ऑन करते हैं कि ये बहुत ही बेहतरीन माइलेज देते हैं, मतलब 16-17 का माइलेज इजीली दे देती हैं स्कॉर्पियो क्लासिक हुई या आपकी स्कॉर्पियो S11 ये वाला 140 PS वाला वेरिएंट हुई। तो आज हम इसका माइलेज टेस्ट करके देखेंगे कि स्कॉर्पियो S11 हमें कितना माइलेज देती है, और अगर हम कोशिश करेंगे इसके बाद कि भाई स्कॉर्पियो क्लासिक का भी करके देखें 130 PS वाली का, लेकिन आज जो हम कर रहे हैं 140 PS वाली का कर रहे हैं और देखेंगे कितना माइलेज ये गाड़ी आज हमें देती है। सेम मेथड यूज़ करेंगे, दो बंदे गाड़ी में रहेंगे, गाड़ी का टैंक बिल्कुल टॉप अप ऊपर तक कराएंगे, फुल कराएंगे और फिर हाईवे पे लेके जाएंगे हम 30-40 किलोमीटर ड्राइव करेंगे, AC ऑन रहेगा गाड़ी में, दो बंदे रहेंगे। तो अब इसको लेके चलते हैं पंप पे और वहाँ पे कराते हैं भाई टैंक फुल इसका। हम लोग पहुँच गए हैं भाई पंप पे जहाँ पे हम लोगों ने XUV700 का माइलेज टेस्ट किया था, इसके टैंक को बिल्कुल ऊपर तक फुल कराते हैं और फिर देखते हैं क्या माइलेज हमें आज स्कॉर्पियो S11 देते हैं, वो भी 130,000 किलोमीटर चलने के बाद। क्योंकि भाई इनिशियल में नई गाड़ी बहुत ज़्यादा बेहतर माइलेज दे सकती हैं, देती भी हैं कंडीशंस में, लेकिन असली जो माइलेज पता चलता है भाई 1,00,000 के बाद पता चलता है, जिसको बोलते हैं कि गाड़ी का बुढ़ापा कैसा है या बुढ़ापे में कैसा माइलेज है। तो अब कराते हैं इसकी टैंक फुल और फिर देखते हैं क्या माइलेज आज हमें स्कॉर्पियो S11 देती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू। देखते हैं भाई फुल कराते हैं बिल्कुल ऊपर तक, फिर देखते हैं क्या माइलेज देती है आज स्कॉर्पियो। ना ऑटो कट पे नहीं, ऊपर तक कर देना बाहर तक। पिला भी लो भाई, फिर गयो के बाद में और आ गया। ये हो गया भाई बिल्कुल ऊपर तक, बिल्कुल बाहर आ गया। तो भाई टैंक फुल हो गया है गाड़ी का, अब कर लेते हैं भाई ट्रिप ए हो गई है इसकी जीरो, भाई ट्रिप बी को भी जीरो कर लो, हाँ इसको भी जीरो कर लो, और ये भाई देख लो आप ट्रिप बी भी जीरो हो गई है, टैंक बिल्कुल फुल हो गया है ऊपर तक। और एक बार मैं इसकी आपको वो दिखा देता हूँ व्हीकल इन्फो में के कार इन्फो में, भाई वो आगे पीछे इसको भी रीसेट कर लेते हैं, पीछे ट्रक आ गया भाई, चलो चले। भाई जो फ्यूल इन्फो है वो हम लोगों ने रिसेट कर लिया, अभी तो कोई भी माइलेज शो कर नहीं रही है, जो डिस्टेंस टू एम्प्टी दिखा रहा है 908 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है, यानी कि स्कॉर्पियो S11 जो है टैंक फुल होने के बाद अप्रोक्स 900 किलोमीटर चल जाती है अगर स्कॉर्पियो के अकॉर्डिंग बात करें तो। अब बात करते हैं भाई इसकी स्पीड की, स्पीड जो हम लोग मेंटेन रखेंगे कहाँ पे रखेंगे भाई, कितनी 80-90 के आसपास मैक्सिमम इसकी स्पीड को मेंटेन रखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अब इसको हम यहाँ से भाई थोड़ा सा चलने के बाद हाईवे पे हो जाएंगे, हाईवे पे पहुँच के फिर इसको अप्रोक्स 30-40 किलोमीटर गाड़ी को ड्राइव करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा आज स्कॉर्पियो S11 कितना माइलेज देती थी। और इसके ही आसपास आप नई वाली क्लासिक का भी माइलेज की अगर बात करेंगे तो वही सिमिलर माइलेज निकल के आएगा, इसी के आसपास आएगा, उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, बल्कि उसकी पावर कम हो गई है तो मे बी हो सकता है, और वो BS6.2 इमिशन के साथ आती हुई है अब, तो लिटिल बिट हो सकता है उसका माइलेज और ज़्यादा इंक्रीज इससे हो गया हो। तो अब चल के लेके चलते हैं हाईवे पे और फिर देखते हैं क्या माइलेज आज हमें स्कॉर्पियो S11 देती है। तो भाई अब फाइनली हम लोग हाईवे पे आ चुके हैं और इसकी जो MID कार इन्फो में माइलेज शो कर रही है 13.8 किलोमीटर का माइलेज शो कर रही है, और भाई जो इसकी रेंज है ना वो 4 किलोमीटर से घट के 904 किलोमीटर पे आ गई है, और हमारी गाड़ी सिर्फ 2 किलोमीटर ही अभी ड्राइव हुई है, तो रेंज से क्या है कि ये ना स्पीड के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे होती रहती है कि मतलब ड्राइविंग कंडीशंस पे हम लोग गाड़ी को कैसे ड्राइव कर रहे हैं। मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात करें तो मेरे को लग रहा है ये एक्सपेक्टेड जो माइलेज ये देगी ये 15-16 के आसपास दे देगी,
सफारी स्ट्रोम को तो शायद ये बीट कर पाए माइलेज टेस्ट में, क्योंकि सफारी स्ट्रोम भाई सफारी स्ट्रोम थी, उसकी बराबर इन किसी गाड़ी से नहीं हो सकती। और एक बार भाई से पूछता हूँ क्या लग रहा है भाई कितना माइलेज दे देगी ये? 20 देगी भाई, 20 देगी, ऑल्टो को बीट करेगी, स्ट्रोम से भी ज्यादा दे देगी। स्ट्रोम ने 19 का दिया था शायद जब हम लोगों ने माइलेज टेस्ट किया था, तो भाई को लग रहा है कि ये माइलेज 20 का दे देगी, लेकिन मेरे को एक्सपेक्टेशन वही है 14-15-16 दे दे तो काफी है। लेकिन इसमें क्या चीज है थोड़ी सी, जो भाई इनके ओनर होते हैं ना जो स्कोर पे ऑन करते हैं, मैं हम मतलब इसको बेसिकली हम लोगों ने कभी ऑन नहीं किया इस वाली स्कोर पे, वो तो वो बोलते हैं जो इसको ऑन करते हैं बहुत जबरदस्त माइलेज देती है स्कोर पे क्लासिक, 16-17 नॉर्मली भी दे देती है। तो आज ये जो मतलब र्यूमर्स हैं या मिथ हैं जो भी हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे कि क्या स्कॉर्पियो S11 जो है सच में इतना बेहतर माइलेज दे सकती है, क्या ये सफारी स्ट्रोम को बीट कर सकती है या नहीं। मुझे नहीं लग रहा बीट कर पाएगी, क्योंकि इसकी जो MID है भाई वो भी अभी तक आप देखिए 13.8 का ही माइलेज शो कर रही है, और रेंज घटते घटते 896 किलोमीटर आ गई है, यानी कि इसने 12 किलोमीटर की रेंज को कम कर दिया है और गाड़ी सिर्फ 3.5 किलोमीटर ही देखेंगे आप अभी तक चली है। ये देखो भाई 3.5 किलोमीटर गाड़ी अभी तक हम लोगों की चली है और रेंज घट के आ गई है 896 किलोमीटर। तो अब चलते हैं इसको लेके ऐसे ही अप्रोक्स 40 किलोमीटर के आसपास ड्राइव करेंगे, 30-40 किलोमीटर, और फिर देखेंगे क्या माइलेज आज हमें स्कॉर्पियो S11 देती है। भाई गाड़ी अब अपनी चल चुकी है 12.3 किलोमीटर, मतलब अप्रोक्स 12.5 किलोमीटर के आसपास गाड़ी को हम लोग ड्राइव कर चुके हैं, और जो माइलेज अब इसकी MID शो कर रही है भाई, ये टच स्क्रीन जो सिस्टम इसका शो कर रहा है 14.6 km/L, यानी कि भाई 14.5 का माइलेज ये अभी तक अप्रोक्स शो कर रही है, और भाई बोल रहे थे कि 20 का माइलेज देगी, मेरे को इससे यही एक्सपेक्टेशन है जो ये इसमें मतलब कार इन्फो में शो कर रही है माइलेज, ये यही माइलेज देगी, ये 15-16 मैक्स जा सकती है, क्योंकि हम लोग इसको ना बहुत प्यार से ड्राइव कर रहे हैं, 80 की मैक्स स्पीड रखी हुई है हम लोगों ने, और हाईवे पे हम लोग इस गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, AC इसका गाड़ी का ऑन है और हम सिर्फ 2 बंदे हैं गाड़ी में, पीछे कोई भी नहीं है, तो एक्सपेक्टेशन भाई 14.7 हो गया, इसको थोड़ा सा महसूस हो रहा है गाड़ी को माइलेज बढ़ाना चाहिए, क्या लग रहा है भाई दे देगी 20 जब इसमें सिर्फ 14.7 का शो कर रही है, तो फिर 20 कैसे दे देगी? अभी करके देता हूँ चलो भाई ठीक है, देखते हैं ये 20 का देगी या नहीं देगी, मेरे को 16-17 मैक्स लग रहा है, क्योंकि मोस्टली हम लोगों ने जिन गाड़ियों का किया है उनकी जो इन कार इन्फो वाली MID जो शो करती थी ना वो ज़्यादा करती थी, गाड़ी कम देती थी, और इसमें तो इसकी MID ही सिर्फ 14.7 का शो कर रही है, तो ये 20 का माइलेज कहाँ से दे देगी। और बाकी भाई देखते हैं कैसी MID हो सकता है इसमें भाई कुछ एरर आता हो कंपनी की तरफ से, और बाकी माइलेज तो वहीं पे जाके पता चलेगा एग्जैक्ट। अब इसको हम ना अप्रोक्स 30 किलोमीटर के बाद से यूटर्न लेंगे, सॉरी 15-16 किलोमीटर के बाद से यूटर्न लेंगे, और फिर ये उसकी डबल गाड़ी ड्राइव हो जाएगी 30-40 किलोमीटर के बीच में, फिर देखेंगे क्या माइलेज स्कॉर्पियो S11 हम लोगों को देती है। ये भाई कैप्टन शीट्स वाली है, और ये 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती थी वो वाली है, ये तो बंद होगी, अब क्लासिक 130 PS वाली आती है, तो देखते हैं भाई क्या माइलेज देती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। सफारी स्ट्रोम इज द बेस्ट, सही बोला ना? नहीं चलो भाई। तो भाई यूटर्न हम लोगों ने ले लिया है, जो हमारी गाड़ी है 18.8 किलोमीटर अब तक ड्राइव हो चुकी है, मैं दिखा देता हूँ 19 किलोमीटर ड्राइव हो चुकी है, ये देखिए आप 19 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, और जो इसकी इन्फो माइलेज शो कर रही है भाई 15.3 का माइलेज शो कर रही है, और भाई इसकी जो डिस्टेंस टू एम्प्टी वाली वो थी ना रेंज, वो फिर से 906 किलोमीटर हो गई है, और ये जो माइलेज है ना भाई जिस कंडीशंस में हम लोग इसका माइलेज चेक कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से ये है कि ये मैक्स माइलेज की कंडीशन है, इसके बाद सिर्फ आप भाई AC ऑफ कर सकते हो, यही ऑप्शन बचता है, अदरवाइज भाई आज के टाइम में AC को कोई ऑफ करके गाड़ी नहीं चलाता, तो मतलब अगर माइलेज इंक्रीज करना है तब आप इसका AC ऑफ कर सकते हो, तो मतलब नॉर्मल कंडीशंस में ये इसका हाईएस्ट माइलेज निकल के आएगा आज गाड़ी का जो भी आएगा, 80 से मैक्स हम लोगों की इसकी स्पीड को नहीं ले जा रहे हैं गाड़ी को, 2 बंदे हैं, AC गाड़ी का ऑन है, तो चलते हैं लेके पंप पे और फिर बताता हूँ आपको क्या माइलेज इस गाड़ी का आज निकल के आया है। तो भाई गाड़ी हमारी 35.3 किलोमीटर चल चुकी है, 16.9 का माइलेज अभी तक शो कर रही है, और सेम पंप पे हम वापस आ गए हैं जहाँ पे हम लोगों ने इसके टैंक को फुल कराया था, तो एक बार फिर से टैंक फुल कराएंगे और फिर बताता हूँ एकदम आपको कि भाई क्या माइलेज
फिर बताता हूँ आपको क्या माइलेज दिया है। 16.9 का माइलेज शो कर रही है और 956 रेंज पहुंच गई है और 35.6 किलोमीटर हम लोगों की गाड़ी ये ड्राइव हो चुकी है। देख लो भाई 35.6 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। तो भाई कराते हैं इसको फुल फिर से। ऊपर तक कर देना भैया बिल्कुल बाहर। बस भैया इतना ही बस हो गया काम। बस। तो भाई टैंक हो गया फुल बिल्कुल ऊपर तक देख लो। ये हो गया जहाँ तक पहले था बिल्कुल बाहर तक आ गया है। और दिखाऊँ कितना है 2.25 लीटर आया 196.85 का 2.25 लीटर। अब देखते हैं टेस्ट करके फिर पता चलेगा भाई कितना आया है 19-20 का दिया है या नहीं। आ गए हैं टैंक फुल होके करा के बाहर कार इन्फो पे फ्यूल इन्फो। भाई ये फिर से वो 16.9 का माइलेज शो कर रही है गाड़ी ठीक है भाई। और गाड़ी चली है हमारी 35.6 किलोमीटर ठीक है भाई। और 2.25 इसमें फ्यूल आया था तो कितना माइलेज निकल के आ रहा है 15.82 का भाई। 16 का भी माइलेज नहीं पहुंचा इसका। और पता है इन्होंने भाई ने जब गाड़ी उधर से आ रहे थे हम तो भाई 1670 मैक्स स्पीड कर दी थी 70 से ऊपर नहीं चलाया। क्या कहोगे भाई 20 के माइलेज के बारे में। भाई ये तेल खराब मिला आज। अरे भाई कुछ ना कुछ हमेशा भाई ये ऐसे झूठे बहाने बताते हैं कि तेल खराब मिला है लेकिन रियलिटी ये है भाई ये सफारी स्ट्रोम की बराबरी नहीं कर सकती। सफारी स्ट्रोम सफारी थी भाई। 19 का माइलेज दिया था उस गाड़ी ने हम लोगों को। ये दिया था नहीं दिया था। हाँ भाई तुमने टेस्ट कराया था माइलेज टेस्ट ठीक है भाई। और भाई वो बीच में हमने टेम्पो से खिंचवाई थी। अरे कुछ देख लो टेम्पो से बता रहे हैं। अरे ये भाई फैन नहीं है ना सफारी के। हम लोग सफारी के फैन है भाई। 19 का माइलेज दिया था और इसमें पता है ये बोल रहे थे कि ये उससे भी ज्यादा देगी स्ट्रोम से भी 20 का माइलेज बोल रहे थे और इसने माइलेज दिया है ले भाई 16 का माइलेज निकल के आया है सिर्फ। और MID भी 17 का माइलेज शो कर रही है। मतलब जो इसकी MID शो करती है जो इसकी कार इन्फो शो करती है वो भी भाई अप एंड डाउन काफी ज्यादा हो जाता है। तो 17 का माइलेज इसने शो किया 16 का माइलेज इसने दिया। 1 किलोमीटर का फर्क आया वैसे इतना आ भी जाता है भाई MID में और रियलिटी में। तो कुल मिला के स्कॉर्पियो S11 ने जो हमें माइलेज दिया है भाई 15.9 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दिया है। और जो लोग बोलते हैं ना इजीली 16 दे देती है 17 दे देती है भाई हमें नहीं पता कैसे दे देती है। इतनी बेहतर ड्राइविंग कंडीशन में ड्राइव किया हम लोगों ने गाड़ी को सारी को हाईवे पे ही ड्राइव किया है अप्रोक्स 36। और अगर हम इसको भाई 36 की जगह और लॉन्ग ट्रिप पे ले जाए ना तो ये माइलेज और ज्यादा नीचे आ जाएगा फिर इतना नहीं आ पाएगा फिर तो इतना भी नहीं आएगा मतलब। और भाई जो लोग लोकल में चलाते हैं वो बोलते हैं 16 दे रही है 17 दे रही है भाई मुझे नहीं पता कैसे दे देती है स्कॉर्पियो 16 17 का माइलेज। हमारे जो माइलेज है इसमें निकल के आया 15.9 का माइलेज निकल के आया मतलब मैक्सिमम आप 16 का माइलेज बोल सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो स्कॉर्पियो S11 की जिसका माइलेज भाई 15.9 का निकल के आया यानी कि 16 का। और सफारी स्ट्रोम का जो हम लोगों ने माइलेज टेस्ट किया था उसमें निकल के आया था उसका 19 का माइलेज। तो भाई सफारी स्ट्रोम तो सफारी स्ट्रोम है मतलब उसके लिए प्यार आज भी दिल में जिंदा है ऐसी बात नहीं है भाई। मैं तो इससे ना एक्सपेक्टेशंस कुछ ज़्यादा ही लेके चल रहा था मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन भी फुलफिल नहीं हुई इससे गाड़ी से तो भाई की एक्सपेक्टेशन तो 20 के माइलेज वाली क्या फुलफिल होती। तो मतलब मैं तो काफ़ी ज़्यादा निराश हूँ भाई इसके माइलेज से। या ऐसा भी हो सकता है भाई ये गाड़ी ना 1,30,000 किलोमीटर चल चुकी है तो हो सकता है भाई इस वजह से भी इसके माइलेज पे फर्क आ गया हो गाड़ी पे। भाई ऐसा भी हो सकता है जैसे गाड़ी 1,30,000 चल चुकी है और इसकी शायद सर्विस भी ड्यू चल रही है तो हो सकता है इस वजह से फर्क आ गया वरना MID का तो माइलेज भाई इसका बढ़ता ही जा रहा है 17.4 हो गया है। तो ये थी भाई आज की अपनी वीडियो स्कॉर्पियो S11 140 PS वाली के माइलेज टेस्ट की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय टेक केयर बाय बाय थैंक यू गुड बाय।